हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आई एम अब्दुल्ला योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रॉम टूटोरिया डॉट पी के एंड टूडे नॉ लेट स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर ट्वेल्थ ऑफ योर ग्रेड टेन आई स्टूडेंट एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एम सी क्यूज को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको इन सर्कल करना है करेक्ट आंसर को पहला एम सी क्यू है विच ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी स्टूडेंट आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ऑफकोर्स स्टूडेंट आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ईथीन वो मॉलिक्यूल होगा यानी अल्कन होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो देखें इथेन अल्केन है उसमें नहीं होगा इथिन इज़ एन अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा फिर इथाइन जो है वो अलकाइन है उसमें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इथाइल अल्कोहल में तो कार्बन होता है लेकिन ओ एच आ जा जाता है उसमें तो वो तो इस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता सो आपका राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी होगा चलते हैं एमसीक्यू नंबर टू की तरफ विच प्रोडक्ट इज़ ऑप्टेंड वेन क्लोरोमिथेन और मिथाइल क्लोराइड इज़ रिड्यूस्ड सुरन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब आप मिथाइल क्लोराइड को रिड्यूस करें तो देखिए सुरन हमने रिएक्शन पढ़ा था मिथाइल क्लोराइड जिसका फॉमूला सी एच थ्री सी एल होता है कि जब भी आप इसको रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं और ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है जिंक और एच सी एल की मौजूदगी में आती है सो so, हमने देखा था कि एक हाइड्रोजन तो एस सी के साथ एच सी बना देता है और एक हाइड्रोजन उस सी एच थ्री के साथ जब अटैच होगा तो उसको सी एच फोर कर देगा और यहाँ पे एच सी बन जाएगा अब ये कंपाउंड कौन सा है स्टूडेंट ये कंपाउंड है मीथेन सो so, आपको मीथेन पर इंसर्कल करना है जो कि आपका राइट right आंसर होगा होपली आपको ये विद रिएक्शन समझ आ गया होगा बढ़ते हैं स्टूडेंट एम सी की तरफ विच रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मीथेन कि मीथेन के साथ कौन सा एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है क्लोरीन थोड़ा सा कम रिएक्टिव है वो डार्क में रिएक्शन देता है लेकिन सनलाइट में रिएक्शन उसका तेज़ हो जाता है फिर सुरन अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन को रिएक्शन करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है और आयोडीन जो है सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है तो जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे रहा है वो फ्लोरीन दे रहा है हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है इसकी इस वजह से ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा होपफुली आपको एम सी क्यू थर्ड भी समझ आ गया होगा बढ़ते हैं एम सी क्यू फोर की तरफ बाई डिहाइड्रेशन वी मीन देखिए स्टूडेंट बायोलॉजी में भी हम जानते हैं और आपको पता भी है कि डिहाइड्रेशन जब किसी की होती है तो उसमें से एक्चुअली बॉडी में से वाटर की लॉस होती है सो so, हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन इज द लॉस या रिमूवल ऑफ वाटर सो बी ऑप्शन आपका राइट right आंसर होगा पढ़ते हैं एम सी फिफ्थ की तरफ इथिन एंड इथाइन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई देखिए स्टूडेंट इथिन और इथाइन को अगर आपने फर्क इसमें बताना है तो दोनों को आप रिएक्ट करवा दें पोटाशियम पर मैगनेट के साथ की एमोनोफोर सोल्यूशन के साथ सो अगर इथिन होगा तो उसमें बन जाएगा ग्लाइकोल और अगर इथाइन होगा तो उसमें ग्लाई ऑक्सल बन जाता है लाइक अगर मैं बात करूँ इथिन की इथीन इथिन से बन जाता है ग्लाइकोल ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है सी एच टू ओ एच एंड सी एच टू ओ एच इसके रिएक्शन मैंने आपको बताए हुए हैं और स्टूडेंट अगर हो इथाइन इथाइन से बन जाता है ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल का ऑक्जल का स्टूडेंट फॉमूला क्या होता है सी एच लाइक दिस वन सी डबल बॉन्ड ओ आता है यहाँ पर आ जाता है एच फिर यहाँ पर, पर आ जाता है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आ जाता है एच तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला है ये है ग्लाइऑक्सल का यहाँ लिख भी देता हूँ ग्लायक्ल जो कि किससे बन रहा है जो कि बन रहा है इथाइन से मैंने अपने मेन वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है और जो ऊपर वाला है ये फॉर्मूला है ग्लायकोल का तो अगर आपको देखें इथिन बना रहा है ग्लाइकोल इथाइन बना रहा है ग्लाई ऑक्सल और ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है के एम एन ओफर के साथ हो रहा है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा होपफुली आपको समझ आ गया होगा बढ़ते हैं एमसीक्यू फिफ्थ सिक्स की तरफ च इज यूज फॉर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन देखिए जब भी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है उसके नतीजे में अल्कीन बनता है और ऐसे रिएक्शन के लिए अल्कोहलिक क्यूएच यूज होती है तो ये रिएक्शन भी मैंने रिएक्शन में आपको बताया हुआ है तो आपने जेहन में रख लेना अल्कोहलिक क्यूएच यहाँ पे यूज होगा बढ़ते हैं सेवेंथ एमसीक्यू क्यू की तरफ विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ केमेनोफोर टू प्रोड्यूस ऑक्जालिक एसिड कि के केमेनोफोर के साथ कौन सा रिएक्शन होगा कौन सी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और ऑक्जालिक एसिड बनाएगा देखिए स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि जब अल्काइन रिएक्ट करता है तो ग्लाइ ऑक्सल बनाता है अब ग्लाई ऑक्जल की मज़ीद उसमें ऑक्सीजन ऐड होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सी डबल बॉन्ड ओ एच ये आपका ग्लाई ऑक्सल का फार्मूला आ गया जो कि अल्काइन की मौजूदगी में बन रहा था अब होता यह है कि इसमें दो ऑक्सीजन और ऐड होते हैं अगर आप मेन रिएक्शन को देखें तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाता है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो आपको फार्मूला इसका क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट आपने ओ OH एच लिखना है और सी डबल बॉन्ड ओ वैसे के वैसे बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज लिख देनी है तो ये आपका बनता है ऑक्सैलिक एसिड जो कि एक्चुअली किससे बन रहा है जो कि आपका एक्चुअली अल्काइन से बन रहा है तो यहाँ पे कौन है वो इथाइन है सो होवली स्टूडेंट आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे हम एमसीक्यू के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं चलते स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर एट को देखते हैं द रिडक्शन ऑफ अलकाई हिलाइट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अभी मैंने एम सी क्यू नंबर टू में ये रिएक्शन लिख कर आपको बताया कि जिसमें जिंक और एड सी एल यूज़ हो रहा था और उसमें क्या बन रहा था आपको रिडक्शन हो रही थी अलकाई हिलाइट की और आपके पास अल्केन बन रहा था सो so, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा नाइन्थ एम सी क्यू है सेकेंड लास्ट विच प्रोसेस प्रोड्यूस एन अल्के्के्के्के्केन कि किस प्रोसेस में आपके पास अल्केन बनता है कंबसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं हाइड्रेशन में भी ऐसा नहीं होता डीहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर है उसमें अल्कीन बनता है और हाइड्रोजनेशन स्टूडेंट ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास

अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू तो अब आप पता लगा लें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन अल्केन है देखें मैं सबसे पहले सी थ्री एच सिक्स को देखता हूँ तो कार्बन की वैल्यू थ्री पुट करें तो सी आ जाएगा और कार्बन की जगह आ जाएगा थ्री और एच आ जाएगा एच और थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सिक्स प्लस टू एट हो जाएगा तो क्या ये सी थ्री एच सिक्स तो नहीं होगा ना ये तो सी थ्री एच एट हो रहा है इसका मतलब ये अल्केन नहीं है ये जो आपका सी थ्री एच सिक्स है ये अल्केन नहीं है क्योंकि आपको अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं देता ब्रोमीन ये पता लगाना है चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे पता चले लगाएं, लगाएंगे सी टू एच टू तो यहाँ पे एन की जगह जरा टू पुट करें तो सी टू एच कितना बन जाएगा फोर प्लस टू सी टू एच सिक्स होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा तो देखें अब ये अल्केन ये भी अल्केन नहीं है ऑप्शन बी भी देखें सी टू एच सिक्स नहीं है इसका मतलब ये भी अलकेन नहीं है सो ऑप्शन नंबर वन देखें वो एक्जैक्टली सी टू एच सिक्स है जो भी हमने अल्केन के जनरल फार्मूला से बनाया है तो so इसका मतलब ये अल्कन है और ये आपका रिएक्शन नहीं देगा एक्वस सोलूशन ऑफ ब्रोमीन के साथ होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारे हमसे अच्छे से समझ आ गए होंगे दिस इज़ अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटोरिया डॉट पी के थैंक यू